अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सब? हम अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आज का सुबह ब्लॉग का आगाज कर रहे हैं। यानी फातिमा सुबह सुबह स्कूल के लिए तैयार हो रही हैं और उसने कहा कि मोबाइल से एक ब्रेड लेनी है, वो उसका नाश्ता बना रही हो। उसके हमने पानी डाला है, बोतल में डाल के रखा है ठंडा पानी, जो लास्ट साथ ले जाती है। और मैंने कहा जल्दी से नाश्ता करो, साथ में तुम्हारी पोनी करती हूँ। और आज था जुमा, तो फिर मैंने कहा बाद में नहीं देती। और अभी जो है एप्पल खजूर और केक को चीज़ उसमें लंच बॉक्स में डाल दी। मैंने कहा जिस टाइम आपको भूख लगी, आज ब्रेक तो भी जल्दी होगी, थोड़ी सी ब्रेक होती है 10 मिनट की, वैसे ज़्यादा होती है। तो ये फिर मैं क्या पीछे देने जाऊँ, ये स्कूल में ही आप खा लेना, तो फिर आसानी होगी तुम्हारे लिए भी, मेरे लिए भी जब भूख लगी तो। और फिर उसके बाद हम लोग ये हरीम फातिमा का बैग टिफ़िन बोतल रेडी किया और फिर हरीम फातिमा को जाते हैं छोड़ने स्कूल के लिए। और हरीम फातिमा बिल्कुल भी रेडी हो गई हैं और इलाफ भी रेडी हो गई है। इलाफ को भी हम साथ बुलाते हैं और हरीम को भी, सारे हम मिल के छोड़ने जाते हैं। दोनों जो है देवरानियाँ अपने दोनों बच्चियों को बिल्कुल पास ही है। और हरीम फातिमा का ये जो बैग है, ये बाबा चाचा ने इसको बना के दिया है। पहले से एक इसका था बैग, ये जो है उसकी हैंड कैरी वो जैसे लगा हुआ था, वो इसके साथ हमने अटैच किया है, तो ये इजीली हो गया है उठाना, क्योंकि बहुत बहुत हद से ज़्यादा भारी है। और फिर जब मैं वापस आई और फिर मैंने अपने घर का काम, झाड़ू पोछा लगाना वो स्टार्ट किया। पहले अंदर से तो क्योंकि इतना ज़्यादा कचरा नहीं था, क्योंकि कल शाम में मैंने अंदर से झाड़ू लगाया, तो वो अंदर वाला एरिया साफ़ था और बाहर वाला जो एरिया है वहाँ से मैंने झाड़ू लगाना शुरू किया है। और वैसे तो फूल झाड़ू से देती हूँ, लेकिन इतना कचरा नहीं था, मैंने नीचे से लगाना है, तो मैंने कहा ऊपर से जो जगह है वो भी जल्दी जल्दी साफ़ कर लूँ। वैसे इतना ज़्यादा नहीं है कचरा गंद वगैरह, सिर्फ ये कि जो हवा आती है तो दरख्तों के जो पत्ते होते हैं वो पत्ते आ जाते हैं नीचे, और वैसे तो ज़्यादातर साफ़ ही है। कभी बारिश हो जाए या धोते हैं तो वो साफ़ हो जाते हैं टाइलें वगैरह। और बड़े इस झाड़ू से यहाँ पे देती हूँ, क्योंकि जल्दी भी हो जाता है और गर्मी धूप भी है, और बहुत ज़्यादा कचरा हो तो फिर तब धो देते हैं, छोटे झाड़ू से लगाते हैं। और बस सुबह सुबह के टाइम जो है जल्दी ये काम करें तो जल्दी फिनिश हो जाता है, जब देर में शुरू करें तो फिर सारा दिन बीच में आ जाता है। और फिर अब ये जो मेरे साथ दीवरानी है वो भी, वो अपने सेन से झाड़ू लगाने में बिजी है और फिर अपने सेन में बस दोनों लगा रही हैं कि दोनों में सबसे पहले झाड़ू किसका ख़त्म होता है जल्दी काम। और फिर पहले उले ऊपर वाले एरिए से लगाई बड़े से, अब नीचे से लगा रही हूँ छोटे झाड़ू से, कि जल्दी से काम ख़त्म हो। फिर उसके बाद अम्मी लोगों के घर में आई, और अभी यह फातिमा गाड़ी में घुसी हुई थी, सामान वगैरह निकाल रहे थे और जो शॉपिंग वगैरह की उन्होंने। और फिर अमर फातिमा को सख्त भूख लग गई, अमर फातिमा को चिप्स बना के दे रही हूँ, पहले उसको दूध फीडर वगैरह दिए हैं। और ये इसने अपनी टेबल बनाया, वो पीछे बालू के साथ लेटी हुई है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने दिन का बनाए राइस मैंने रखी हुई हैं। ये पहले मैंने सालन बनाया है, चिकन वाला सालन, जिसने सालन नहीं खाया रोटी खाएंगे। और फिर उसके बाद फिर मैंने रखी हैं ये सैलेड का सामान। आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अल्लाह हाफिज़। कल मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, दुआ में याद रखना।